मॉर्निंग बच्चों, तो आज हम परिवेश स्टैंडर्ड वन मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 जो हम पढ़ रहे थे हमारे वर्कबुक में मनी ने टेक्स्ट बुक में मनी के बारे में बहुत जो हमारी नोट्स होती है पॉइंट होते हैं वो मैंने आपको दिखाए और उसको किस तरह से हम मतलब कोई भी चीज़ है तो उसको पे करना है तो किस तरह से पे कर सकते हैं डिफरेंट वे से वो सारे वे मैंने आपको दिखाए। नेक्स्ट आज हम हमारे जो वर्कबुक है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर 206 पे ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड यहाँ पे आपको देखना है और वो समझना है। यहाँ पे देखो वन का कॉइन दिया है, टू का कॉइन, फाइव कॉइन, फाइव का और 10 रुपीज़ का कॉइन, इस तरह से कॉइन दिए ऊपर। फिर उसके नीचे उसकी नोट सेम करेंसी मतलब कॉइन में भी है और नोट में भी है। तो जैसे देखो वहाँ पे 1 रुपीज़ का नोट भी दिख रही है आपको जिसके दो साइड है उसके पिक्चर दिए। फिर 2 रुपीज़ की नोट है, उसके बाद 5 रुपीज़ की भी नोट है और 10 रुपीज़ की नोट दिए। उसके बाद देखते हैं तो सेकंड पेज पेज नंबर 207 पे तो यहाँ पे आपको 20 रुपीज की नोट दी और उसके पीछे वाला फिर 50 रुपीज की नोट है, उसके बाद तो 100 रुपीज की नोट है। तो ये जो मतलब 100 रुपीज की नोट के पीछे जो आपको ये कुछ दिख रहा है महल जैसा वो पाटन में जो हमारा हेरिटेज है जिसको हम रानी की वाव कहते हैं, रानी की वाव बोला जाता है, उसका पिक्चर दिया है। जो 100 की नोट के पीछे जो पिक्चर है वो वाला, फिर 200 की जो नोट है वो भी है, उसके बाद 500 की नोट दी है। तब आप देख सकते हो जो 500 की नोट है हमारे वहाँ पे भी एक आपको एक महल दिया है जिसके ऊपर हमारा फ्लैग मतलब है। तो ये कौन सी जगह है? तो ये हमारी जो हमारे देश की जो दिल्ली है उसमें जो लाल किला है उसकी ये फोटो दी है आपको। उसके बाद टर्न योर पेज, पेज नंबर 208 पे देखो। अब यहाँ पे लास्ट आपको हमारी इंडिया की सबसे बड़ी करेंसी जो नोट में है जो वो है 2000 की नोट है। ये 2000 की नोट है, उसके ऊपर आपको उसके पीछे के हिस्से में एक कुछ दिख रहा है, किसका फोटो है जिसके ऊपर मतलब सोलर प्लेट है, फिर एंटीना है, ये सब कुछ है। ये क्या है, कौन सी चीज़ है? तो ये वाली चीज़ है मंगल ग्रह, जिसको हम यहाँ से मंगलयान जो यहाँ से हमने भेजा था इंडिया ने फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में नासा अमेरिका से पहले भी ये हमारे इंडिया में नास मतलब जो इसरो है उसमें से इसको मतलब पृथ्वी से बाहर और चंद्र से भी दूर आया हुआ मंगल जो ग्रह है उसकी फोटोज खींचने के लिए और उसकी मतलब रिसर्च करने के लिए यहाँ से भेजा गया था और उसमें हम फर्स्ट टाइम ही सफल हो गए थे। इसीलिए यहाँ पे 2000 के नोट पे जो मंगलयान है उसका मतलब पिक्चर दिया है। उसके बाद नीचे की ओर देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो तो मेक द गिविंग अमाउंट यूजिंग कॉइन ऑफ 1 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन डिफरेंट वे एज पर एग्जाम्पल। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल दिया है उसी तरह से डिफरेंट वे से हमें अगर 1 रुपीज पे करना है तो कैसे करेंगे, तो वो 1 रुपीज़ का कॉइन होगा, 2 रुपीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको सिखाया था। तो 1 रुपीज़ के 2 कॉइन भी दे सकते हैं और सीधा 1 कॉइन 2 रुपीज़ का भी देख सकते हैं तो भी वो 2 रुपीज़ बोले जाते हैं। उसी तरह से नीचे की ओर देखो तो 3 रुपीज़ की बारी है, तो मैंने उसके अंदर आपको मतलब हाँ यार पूरा वो जो कॉइन है उसकी छाप तो रहेगी नहीं, हम क्या करेंगे सीधा सर्कल करके उसमें उसके नंबर लिखेंगे। देखो मैंने वहाँ पे 1 और 2 सर्कल के अंदर जो नंबर लिखे हैं तो मतलब वो भी कितने रुपीज़ हुए, 1 और 2 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ हो गए।
उसी तरह से 1111 मतलब 111 तो 3 रुपीज वो भी कंप्लीट हो। उसके बाद 5 रुपीज का है तो मैंने आपको ये 5 रुपीज वाला 6 रुपीज वाला ऑलरेडी करवाया हुआ है जो हमारे टेक्स्ट बुक में, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब है आगे 7 रुपीज तो वो भी आपको आ सकता है, सिर्फ आपको जो डिफरेंट है वो भी रहेगा। तो ये यहाँ पे 9 रुपीज का है जो बहुत है, लेकिन उसमें 1, 2 और 5 रुपीज के कॉइन ही यूज करके बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 9 रुपीज का और 10 रुपीज का दिखाता हूँ, तो बाकी का आपको अपने आप आ जाएगा। हम उस किसका देखते हैं पहले 9 रुपीज। तो सबसे पहले मैंने मुझे 9 रुपीज पे करे तो मैं क्या करूँगा, हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 1 रुपीज की कॉइन है तो मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो सारे 1 रुपीज की कॉइन हम दे दी, तो भी 9 रुपीज। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 only for 1.2 का बाकी के सारे कॉइन इसके ये भी हो सकता है। अब देखते हैं तो क्या होगा, 2.12 रुपीज का और बाकी के ये भी देखो, तो 2 + 2 = 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई। उसी तरह से और एक भी है जिसमें 3 रुपीज 1 कॉइन की कॉइन और 3 कॉइन 2 रुपीज। 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, 8, 9 ये भी 9 रुपीज हो गए। उसी तरह से और भी है। अब 9 रुपीज का देखते क्या करूँगा मैं, 4.2k और 1.1 रुपीज का ये भी मेरे 9 रुपीज हो गए। देखो 2 + 2 = 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 1 तो 9। उसी तरह से ये जो 9 और 9 कैसे हो सकते हैं, अब देखो ये 1, 2, 1, 2 रुपीज का फिनिश हो गया। अब क्या करते हैं, ये भी 9 कंप्लीट होते हैं। उसके बाद टू पॉइंट टू होंगे और 1.5 रुपीज वो भी कितने होंगे 9। तो जो 9 रुपीज के डिफरेंट वे है वो इस तरह से है, तो 8 वे से हम 9 रुपीज पे कर सकते हैं। कितने वे से, 8 वे अलग अलग डिफरेंट 1 रुपीज के हिसाब से कर सकता हूँ मैं। 1 2 रुपीज का कॉइन होगा और बाकी सब 1 रुपीज के, 2 2 रुपीज का कॉइन होगा बाकी सब 1 रुपीज के, 3 कॉइन 1 तो आप भी अपनी जो टेक्स्ट वर्क बुक है उसमें मैंने जिसे लिखा है वैसे आप अंदर ड्रॉ कर दो। अब बात रही 10 10 रुपीज की, 10 10 रुपीज कैसे पे है,
कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे पे करेंगे हम? मुझे पे करना है, किस तरह से मैं पे कर सकता हूं? जैसे मैंने ये किया था वैसे ही सबसे पहले क्या करेंगे, हो गए डेरिवेटिव्स इसी तरह से 1.2 इसका ले लेंगे, बाकी के 8.11 रुपीस के, फिर 2.2 रुपीस के, बाकी के 6.1 रुपीस, इस तरह से हम ये फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो मैच द फॉलोइंग दिया है, क्या दिया है? मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे जो रुपीस लिखे हैं उनको उनके सामने जो नोट है पिक्चर दिए उनके साथ आपको मैच करना है, तो कुछ इस तरह से लिख के दिया है आपको। तो पहले लिखिए 20 रुपीज, तो 20 रुपीज की नोट जो आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, उसके साथ आप क्या करेंगे, उसको मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद फिर 1 रुपीज का कॉइन, तो 1 रुपीज के कॉइन कहाँ पे दिख रहा है आपको, हम उसके साथ मैच करेंगे। उसके बाद 2 रुपीज का कॉइन, तो जो हमारा 2 रुपीज का कॉइन है उसको हम टू रुपीज के कॉइन के साथ मैच करेंगे। 100 रुपीज़ का कॉइन, मतलब कॉइन नहीं होता है, 100 रुपीज़ का क्या होता है, नॉट होती है, जो मैंने आपको दिखाई दी, तो कहाँ पे 100 लिखी है उसके साथ मैच करेंगे। तो ये जो आपको पर्पल कलर जैसे दिख रही है वो 100 रुपीज़ की है। फिर 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ का आप ये रहे तो उसके साथ भी आप मैच कर दो। नेक्स्ट 10 रुपीज़, अब यहाँ पे 10 रुपीज़ की नोट नहीं दी है हमें, कॉइन दिया है, तो हम कॉइन के साथ मैच करें। नेक्स्ट 500 रुपीज़, तो ये रही ग्रीन कलर की नोट जो 500 रुपीज़ की आती है। उसके बाद 2000 रुपीज़, जो मैंने आपको दिखाई थी पिंक कलर वाली, जिसके ऊपर हमारे मंगलयान का जो फोटो था वो, तो उसके साथ हम मैच करेंगे। आप भी मेरे साथ अपनी वर्कबुक में मैच कर दो। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब जो हमारा 10 रुपीज़ वाला जो छोड़ दिया था उसको हम फिर से फिनिश कर देंगे। ओके, चलिए तो 10 रुपीज ऐसे पे करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 रुपीज के 10 पॉइंट पे करेंगे तो 10 रुपीज हो जाएंगे। यस, उसी तरह से और कौन सा वे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 रुपीज का कॉइन और 8.11 रुपीज के कॉइन पे करेंगे।
और भी वे है जैसे कि बराबर के 6.n 2 2 के 2 पॉइंट, ये टेन पिच हो गए थे। इसी तरह से और भी वे है देखो 4.22 रुपीज के, तो 1 रुपीज के और पॉइंट और 3.22 रुपीज, तो 6, 7, 8, 9 के तो भी हो गया। इसी तरह से सारे के सारे 2 रुपीज के हुए। अब इसमें देखो चलो क्या करते हैं, 2 रुपीज 2 रुपीज और 1 रुपीज, ये 5 हो गए और ये 5 रुपीज, तो भी कितनी हो गई 10 रुपीज। अब यहाँ पे देखते हैं 2 रुपीज देखो 3 1 1 रुपीज की कॉइन और 1 2 रुपीज का कॉइन और 1 5 रुपीज का कॉइन, फिर भी 5 रुपीज कंप्लीट। उसी तरह से वन 5 रुपीज का कॉइन और 5 1 1 रुपीज के कॉइन, फिर भी हमारा 10 रुपीज कंप्लीट होता है। उसी तरह से 5 5 रुपीज की अगर 2 कॉइन भी लेंगे हम, वो भी हमारे 10 रुपीज कंप्लीट होते हैं। आप देख सकते हो मैंने जो 10 रुपीज थे उनको अलग अलग वे से किस तरह से मुझे पे करना था वो मैंने आपको अच्छी तरह से दिखाया है। तो ये भी आप अपनी जो वर्कबुक है उसमें कंप्लीट अच्छी तरह से लिख लो बेटा। ओके आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको मैच द फॉलोइंग भी करवाया, ये भी कंप्लीट करवाया। अब आपको क्या करना है, घर पे आपके पापा को बोलना है पापा मुझे 1 रुपीज की नोट अगर मिलती है तो भी दिखाओ, कॉइन दिखाओ। फिर या आपके पापा के पास से आपको 1 1 रुपीज के 10 कॉइन लेने हैं, 2 2 रुपीज के 10 कॉइन लेने हैं और 5 5 रुपीज़ के कुछ कॉइन मिल जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इकट्ठा करके फिर उनके साथ खेलना है कि चलो पापा आप मुझे बताओ कि मुझे इतने रुपीज़ दो तो मैं आपको इतने रुपीज़ आपको देता हूँ, तो क्या मैं वो राइट दे सकता हूँ या नहीं। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। और आप अगर मार्केट में जाते हो, अगर शॉप वाला बोलता है चलो 50 रुपीज़ हुए मुझे दे दो, तो आपके पास
कैसे कैसे पैसे पड़े, किस तरह से अपनी नोट नोट है, कॉइन है, और कितने कितने, तब उसके हिसाब से उनको गिन के दे सकते हो। और आप मिस्टेक नहीं कर सकते और आप अच्छी तरह से उनको पे कर सकते हो, ज़्यादा पे नहीं कर सकते, तो आप क्या रहोगे, प्रॉफिट में रहोगे। तो इसीलिए ये रुपीज वाला सीखना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे वर्ल्ड में और पूरी जगह सारी जगह पे ये रुपीज मनी का बहुत वैल्यू है, तो इसीलिए हमें इसको अच्छे तरह से सीखना होगा। ओके, अब नेक्स्ट जो वर्ड है, जैसे कि पेज नंबर 210 पे, तो जो वहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें प्राइस मतलब डिस्कस करना है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।